बारेगांव स्थित कोलान नदी को लग करे खेत में रोजाना लाखों रुपए का जुआ लोग खेले जाने का मामला सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि कामटी से बिना भानेगांव मार्ग पर एक खेत है, वह खेत के मालिक भी कामटी निवासी व्यक्ति बताया जा रहा है। तबेले के पीछे एक मंडप डालकर खुले में करीब 50 लोग जुआ खेल रहे हैं। स्थानीय सरपंच ने भी इस बात की शिकायत खापरखेड़ा पुलिस से की थी। 112 डायल नंबर पर दो बार जानकारी दी गई, ऐसी चर्चा गरमाई है, लेकिन किसी भी प्रकार की अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब पुलिस खुद ही कार्रवाई को लेकर गंभीर होते दिखाई नहीं दे रही, ऐसी चर्चा ग्रामस्थों में हो रही है। लोगों में हो रही चर्चा के दौरान तो स्थानीय लोग भी खुद जुआ खेलने गए और अपनी जान जोखिम में डालकर वहां का वीडियो बनाकर ले आए। अब पुलिस अधिकारियों को वीडियो भेजकर स्थानीय लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक विजय मगर से लोगों को अपेक्षाएं हैं, अब वे लोगों की अपेक्षा में कितने खरे उतरते हैं यह समय ही बताएगा। बताया जा रहा है कि नांदा परिसर में भी जुआ क्लब खुले आम चलाया जा रहा है, लेकिन पुलिस इसे भी अनदेखा कर रही है। नागपुर ग्रामीण की कर्तव्य दक्ष अपराध शाखा की टीम पिछले एक महीने से जानकारी होते हुए भी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। नागपुर शहर में अवैध धंधों पर शिकंजा कसता जा रहा है तो लोग नागपुर ग्रामीण में अपने पांव पसार रहे हैं। अब ग्रामीण गुंडों की शहरी गुंडों से धंधे को लेकर आपस में गोलीबारी एवं अपराध की घटना हो सकती है। समय रहते पुलिस ने धंधे बंद नहीं किए तो एक बड़ा हादसा होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। खापरखेड़ा से NBCN न्यूज के लिए दिलीप गजभिये की रिपोर्ट।